नमस्कार, मैं हूं अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बैटरी ड्रेन टेस्ट 6 स्मार्टफोन के बीच में, जो कि आपको मिल जाते हैं 15,000 से नीचे की प्राइस में। और ये सारे ही स्मार्टफोन एक लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फोन है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप दे पाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास फोन अवेलेबल है Honor 9 Lite, Honor का 7X, MI का A1, MI Redmi Y1, Samsung का ON 7 Prime और Oppo का A83। तो ये सारे ही फोन आपको मिल जाते हैं जो कि लेटेस्ट डिवाइस हैं, और आज हम इन्हीं सबके बीच में करने वाले हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो आप देख सकते हैं इन सारे फोन में वाईफाई कनेक्टेड है और इनकी ब्राइटनेस को रखा गया है मीडियम पर। और अभी आप देख सकते हैं बैटरी किस पोजीशन पे है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस बैटरी ड्रेन टेस्ट को और देखते हैं कि कौन सा फोन हमें ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप दे पाएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो ये था बैटरी रेन टेस्ट इन सारे फोन के बीच में. सबसे कम स्क्रीन ऑन टाइम हमको देखने को मिला Redmi Y1 में, जिसने कि ऑलमोस्ट 6 घंटे और 8 मिनट का हमें स्क्रीन ऑन टाइम दिया. उसके बाद स्विच ऑफ हुआ Honor 7X, उसके बाद था MI का A1 और उसके बाद था Honor 9 Lite. और अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम हमको देखने को मिला है Samsung On 7 Prime में, जिसमें कि हमें 7 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला. मीन्स हमें यहाँ पे पता चलता है कि On 7 Prime में और Oppo A83 में हमको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है. तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आगे के ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में. तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें.